यश और विजय किरगुंदर ने अपनी फिल्म को लेकर आपको मैं बताऊंगी आज की हमारी इस वीडियो में। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त एंड होस्ट साक्ष शर्मा। आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज की हमारी इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म KGF ने अभी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाई हुई है और हाल ही में साउथ एक्टर यश ने अपनी फिल्म KGF की सफलता और आने वाले KGF चैप्टर 3 के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि KGF चैप्टर 3 चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के मुकाबले और भी धमाकेदार होने वाला है और मैंने और फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील ने अभी इसके बारे में बहुत कुछ सोच रखा है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने चैप्टर 2 में नहीं दिखाई हैं और उसे हम चैप्टर 3 में क्रिएट करने वाले हैं। वैसे तो ये केवल एक रफ आइडिया है। साथ में यश ने ये भी बताया कि फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील ने फिल्म की पूरी कहानी को एक ही पार्ट में दिखाने का सोचा था, लेकिन प्रोडक्शन के बीच ही में चलते हुए उन्होंने फिल्म को दो हिस्सों में बांटने का फैसला लिया। दरअसल प्रशांत नील बीच में ही समझ गए थे कि वो एक ही पार्ट में पूरी कहानी को दिखाने के चक्कर में सारे ही सीन्स को समेट रहे हैं, जो फिल्म के इमोशनल एंगल को कमज़ोर कर रहा है। इसीलिए फिल्म को दो हिस्सों में बांटा गया। फिल्म के बारे में विजय किरगुंदर ने बताया कि फिल्म को मार्वल यूनिवर्स के तौर पर डेवलप करेंगे। उन्होंने बताया कि अलग अलग फिल्मों के दिलचस्प किरदारों को लिया जाएगा और मेकर्स की प्लानिंग डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन होमकमिंग की तरह बनाने की है। और जब विजय किरगुंदर से पूछा गया कि मार्वल यूनिवर्स की तरह फिल्म को बनाया जाएगा तो नॉर्थ के कौन से एक्टर शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने बताया जिन्हें एक्शन की समझ हो, जैसे कि ऋतिक रोशन। साथ ही उन्होंने कहा कि मैचो लुक वाले स्टार और कैरेक्टर्स को आने वाले पार्ट्स में इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब बात करें अगर फिल्म के एक्ट्रेस की, तो श्रीनिधि शेट्टी फिल्म में नजर आ सकती हैं, क्योंकि अभी फिल्म में कुछ सालों को नहीं दिखाया गया है जिनमें रॉकी ने विदेशों तक अपना पांव जमा लिया है और उस टाइम पर श्रीनिधि की मौत नहीं हुई थी। और आपको बता दें कि चैप्टर 2 में श्रीनिधि की मौत हो चुकी है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले समय में एक नई एक्ट्रेस को दिखाया जा सकता है जो आगे जाकर रॉकी का प्यार बन सकती है और या फिर उनका मिशन में साथ दे सकती है। अब ये बातें तो आगे जाकर ही क्लियर होंगी। तो दोस्तों, ये थी आज हमारी KGF चैप्टर 3 से जुड़ी कुछ बातें। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। हमारी मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।